एक बात बताइए मोदी जी, ये बताइए कि हम लोग जो इतना सारा मजदूरी कर रहे हैं, ये आलू के बोरे जो मैंने लोड कर रखा है अपने साइकिल पे, ये बोरी हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ पता होता है आपको कि ये सारी बोरी कहाँ पे जाएंगी? अब बताओ, मैं अपने साइकिल पेंचर साइकिल पे मैंने 6 बकट्टे आलू लोड किए हैं, अब बताओ ये कहाँ पे जाएंगे? ये सारी चीजें मुझे बता दीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कहाँ पे जाएगा। इससे कुछ हमारा फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है कि हम ऐसे मजदूरी हमेशा करते रहेंगे? इसकी जानकारी मुझे फौरन बता दीजिए। इसीलिए मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो हमको कम से कम जान लेना चाहिए। अरे अखिलेश, यह भी कोई पूछने वाली बात है? तुम ऐसे पूछ रहे हो, लगता है अजनबी शहर में हो तुम। अरे ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी होती। अरे ये आलू के कट्टे मैंने साइकिल से सेट के वहां पे लोड किया हम लोगों ने, अरे मजदूरी स्टार्ट किया। सुनते जाओ आगे आगे क्या बता रहा हूँ। उसके बाद ये आलू लेकर हम चल रहे हैं मंडी में। मंडी में जाएंगे, आलू बिक जाएंगे सारे के सारे, सारे आलू बेच करके फिर वहां से पैसे लेंगे, पैसे ले जा करके सेठ को देंगे, फिर सेठ जी हम लोगों को अपने जेब से निकाल करके 250-250 रुपए मजदूरी देंगे। यही होने वाला है। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। अब बताओ, ये सब कोई पूछने वाली बात होती? मजदूरी करो, पैसे तो शाम तक मिल ही जाएंगे। ये बात बताना चाह रहा हूं तुम्हें मैं। अरे मोदी जी, एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको। मेरे एक हफ्ता हो गए, एक हफ्ते में मुझे कोई दिहाड़ी नहीं मिली है। आप बताओ, एक हफ्ते की दिहाड़ी मेरी रुकी पड़ी है और मजदूरी पे मैं प्रतिदिन आता हूँ, प्रतिदिन काम करता हूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? पहली बात, मेरी मजदूरी पहले के दिला दीजिए, मैं बहुत हो गया हूँ परेशान। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कम से कम मेरे बातों पे ध्यान दे लीजिए, बहुत परेशान हो गया हूँ। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। अरे देखो मेरी मुर्गी, कितनी छोटी मुर्गी है लेकिन ये 25 अंडे रोज देती है। इन अंडों से मेरा बिजनेस इतना बढ़ गया है कि मैंने 4-4 मुर्गी फार्म खोल रखा है। अब बताओ राहुल, तुम्हारी मुर्गी इतनी बड़ी हो गई है फिर भी 2 अंडे दे रही है। हमारी मुर्गी सबसे अच्छी है। इतना सारा मैंने मुर्गी फार्म खोल दिया है कि मोदी जी भी हैरान हो गए हैं। अब बताओ किसकी मुर्गी अच्छी है यहाँ पे? मेरी मुर्गी सबसे अच्छी दिख रही है, तो राहुल तुम्हारी मुर्गी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। हमारे मुर्गी का नाम है कलिमा और तुम्हारे मुर्गी का क्या नाम है? तुम्हारी मुर्गी कुछ भी नहीं हो सकता मुझे लगता है। अरे 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 योगी जी, तुम्हारा तो यही भूल है, यही भूल है तुम्हारी। अरे हमारी मुर्गी का नाम है, बहुत अच्छा नाम है। मेरी मुर्गी का जो नाम है, इंडिया में कहीं पे ऐसी मुर्गी मिलने वाली नहीं मेरे नाम वाली। और तुम 25 अंडा बता रहे हो? मेरी मुर्गी, एक मुर्गी ने इतना अंडा दिया कि ये तो पूरा घर मेरा भर गया। मैंने तो क्रेन से उठवा उठवा करके लगवाया। अब बताओ किसकी मुर्गी अंडा ज़्यादा दे रही है? अरे मेरे मुर्गी अंडे से मैंने तो पूरा सब कुछ खरीद लिया, इतना बिजनेस मेरा बड़ा हो गया। 50 मुर्गी फार्म मैंने खुलवा दिया। तुमने क्या किया? तुमने 4 ही खुलवाया, अखिलेश तो एक भी नहीं खुलवा पाया। मुझे लगता है इसकी नस्ल देखो, मुर्गी काली काली हो रखी है। अरे अखिलेश, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? और लेकिन ये बताओ, तुमने कितना किया है ये मुझे बता दो चलो। अरे तुम्हारी मुर्गी बहुत अंडा देती है, मैं जानता हूँ, झूठ बोलने में तुम एकदम माहिर हो। हम बताओ, मेरी मुर्गी की नस्ल देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। मैंने और मोदी जी ने लंदन में खरीदा था ये मुर्गी, तुम्हें कुछ पता है क्या? मैंने तो 80 प्लेट फार्म खुलवा रखा है, मोदी जी ने 100। हम बताओ किसका ज्यादा हुआ, अब तुम्हें बता दो। अरे यार, यहाँ तो पुलिस भी खड़े हैं, क्या करूँ अब? चलो तुम लोग इतना काला धन इकट्ठा कर लिया, चलो तुम लोगों का तो मैं अच्छे से इनकम टैक्स को भेजता हूँ। तुम ने इतना प्लेटफार्म मुर्गी फार्म क्या क्या खोला है चलो बताता हूँ अभी। चलो भाई, भाई लोग वीडियो लाइक करो, चलो सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, आज मैं एक चीज आपसे बता देना चाहता हूँ। सुबह से इतनी सारी गाड़ियां निकली हैं, ये बताओ अच्छा खासा बन रहा है ना आज का माहौल, ये बता दो मुझे। आज मैं तुम्हारे साथ आऊँ, तुम्हारा दिन कैसे बीत रहा है ये बताओ, कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ। ये देखो अखिलेश भी आ गया,
इतना लोडिंग है बाइक पे, इतनी लोडिंग है, क्या करना चाहिए अब आप ही बता दो। इस माहौल में देखो कितनी अच्छी लोडिंग कर रखा है, एक चीज देख लो मोदी जी। और इधर देखो राहुल भी आ रहा है साइकिल ओवरलोड साइकिल करके, क्या करना चाहिए। मैं आया हूँ, आज का दिन आपका कैसा बीता थोड़ा सा मुझे बता दो, फिर इनकी खबर लेते हैं अच्छे से। अरे वाह योगी जी वाह, तुम जब भी आते हो यहाँ पे, जब भी तुम मेरे साथ आते हो उस दिन मेरा बहुत दिल खुश हो जाता है। आज इतना मेरा दिल खुश हो रहा है तुम्हारे ऊपर, इतना खुश हो रहा है मैं क्या बताऊँ। इसके पहले जो कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं शाम को बताऊँगा, लेकिन इससे पहले अखिलेश को रोक लेते हैं, अखिलेश को रोक करके फिर इनकी अच्छी खबर लेते हैं। बताओ पूरी की पूरी रोड मोटरसाइकिल पे इतना लकड़ भर रखा है, पूरी रोड खराब कर दिया, आम जनता कैसे चलेगी इस पे, तुम ही बता दो। अरे अखिलेश तुम कहाँ जा रहे हो, रोको गाड़ी रोको, बोले गाड़ी रोकी है तुम पहले। अरे मोदी साहब जी नमस्कार, नमस्कार साहब जी नमस्कार। अरे साहब जी आज जाने दीजिए, मैंने पहली बार अपने गाड़ी पे इतनी लोडिंग किया है, आगे से कभी भी नहीं करूँगा, अगर कभी मैं करूँ तो मेरी बाइक का चालान काट देना जितना मर्जी उतना। आज मैंने पहली बार इतनी लोडिंग किया हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ मैं इतनी लोडिंग। अरे अखिलेश तुम रास्ता पूरा खाली करो, तुमने तो पूरा रास्ता चका रखा है, अब बताओ मुझे मंडी जाना है, साइकिल पे इतनी लोडिंग कर रखा हूँ, फटाफट रास्ता खाली करो तुम, मुझे जाना है मंडी अभी। अरे राहुल तू ज्यादा मत बोल, तेरा भी चालान कटेगा, तू साइड में खड़ा हो जा, तूने भी मोटरसाइकिल नहीं, तुम तो साइकिल पे लोडिंग इतना ज्यादा कर रखे हो, क्या बताऊं। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब।